Good morning, all of you. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन किस चीज पर डिस्कस करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में कहां तक डिस्कस कर लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन ने क्या है डिस्कस कर लिया था। तो एक बार अपन इस लेक्चर को फिर से समराइज कर लेते हैं, देन आफ्टर क्या अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, स्टेग्राम के अंदर क्या है अपने क्या चीज दिखाई गई है? मसल्स दिखाए गए हैं, आर्टरी दिखाए गए हैं, टिश्यू दिखाए गए हैं, लिगामेंट दिखाए गए हैं और किस चीज से अटैच होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या है शो की गई है। तो किससे अटैच है? ये अपने रिब से अटैच है और ये क्या अपना इंटरकोस्टल मसल्स है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दिखाई गई है, एडिपोज टिश्यू दिखाया गया है, लेक्टिफेरस डक्ट जो और साइनस दिखाया गया है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसके अंदर शो किए गए हैं, लोबल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड ये क्या है मेमरी ग्लैंड के लोबल्स हैं, ये क्या है इंटरनल थोरेसिक वेन दिखाई गई है और ये मेजर मसल्स हैं। ये एंटीरियर मसल्स हैं और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स दिखाई गई है इस डायग्राम में। नेक्स्ट है द मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू। मेमरी ग्लैंड सब किससे बनती है? ग्रेनुलर टिश्यू से बनती है, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। जो मेमरी ग्लैंड है वो किन किन चीजों से मिल गई? ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू, इन सब से मिलके क्या अपनी मेमरी ग्लैंड सब वो बनी है। नेक्स्ट है ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 लोबल्स ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, ईच लोब being made up of a number of lobules that radiate around the nipple। जो प्रत्येक ब्रेस्ट है वो किससे बनता है? 20 lobules of approximate granular tissue से वो बनता है। Each lobules being made up of a number of lobules that radiate around the nipple। और किसके चारों तरफ है? निप्पल के चारों तरफ क्या है? रेडिएट रहता है। The lobules consist of a cluster of alloy which open in small duct and these until to form large accessory duct called lactiferous। जो lobules हैं वो किससे बनते हैं? Cluster of alloy किससे बनते हैं? Cluster of alloy से बनते हैं which open into small duct। और ये किसमें open होते हैं? Small duct के अंदर open होते हैं। These until the form a large accessory duct। और क्या बनाते हैं? Large accessory duct बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? Lactiferous duct अपन उसको बोलते हैं। जो लोबल्स हैं वो किससे बनते हैं? एक क्लस्टर ऑफ एलॉय किससे बने? एक क्लस्टर ऑफ एलॉय से बने, एलॉय के गुच्छे से बने, विच ओपन इनटू स्मॉल डक्ट। और क्या किस में ओपन होते हैं? स्मॉल डक्ट के अंदर ओपन होते हैं और वो क्या बनाते हैं? लार्ज एक्सेटरी डक्ट बनाते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट अपन उनको बोलते हैं। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट वेयर दे आर डायरेक्टेशन ऑफ रिजर्वोयर फॉर द मिल्क। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो? सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट वेयर दे आर डायरेक्टेशन और रिजर्व फॉर मिल्क। और ये क्या करती है? डायलेट करती है और रिजर्व करती है किसको? मिल्क को। लीडिंग फ्रॉम ईच डायलेटेशन और लैक्टिफेरस साइनस इज नैरो डक्ट विच ओपन इनटू द सरफेस एट द निप्पल। ये किससे लीड करते हैं? डायलेटेशन और लैक्टिफेरस साइनस है वो क्या है? नैरो डक्ट होती है जो किसमें ओपन होती है? अपने सरफेस एट द निप्पल। नेक्स्ट है फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट द ग्रेनुलर टिश्यू एंड डक्ट एंड फैट कवर द सरफेस ऑफ ग्लैंड एंड फाउंड
between the lobes. Next, nipple. The nipple is a small conclave immense at the center of the breast, surrounded by a pigment area of areola. On the surface of the areola are numerous sebaceous glands which lubricate the nipple during lactation. इसकी तरफ चारों तरफ क्या है ये जो है nipple जो है वो कहाँ पे रहती है जो breast है उसके center के अंदर present होती है और इसके अंदर सीबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस सरफेस पे जो क्या करती है लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है किस एज कब ड्यूरिंग लैक्टेशन जब बच्चा मिल्क को सब करता है उस दौरान क्या है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है द ब्रेस्ट आर सप्लाइड विच ब्लड फ्रॉम द थोरेसिक ब्रांचेज ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एंड फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है वो क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज दिस डिस्क्राइब एन एनाट सर्किल अराउंड द बेस ऑफ द निप्पल फ्रॉम विच ब्रांचेज कैरी द वीनस ब्लड टू द सर्कमफेरेंस एंड ऑफ एक्सिलरी एंड मेमोरी वेन जो आपकी एक्सिलरी और मेमोरी जो आर्टरी हैं वो जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं उन्हीं की जो वेन है मेमोरी और एक्सिलरी वेन है वो क्या करेंगी यहाँ पे ब्लड को रिसीव करेंगी नेक्स्ट है लिम्फ ड्रेनेज दिस इज मेनली इन टू द एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स है वो क्या करती है और जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो क्या करते हैं यहाँ से लिम्फ ड्रेनेज करते हैं लिम्फ में ड्रेन थ्रू द इंटरनल मेमोरी नोड इफ द सुपरफिशियल रूट ऑफ इज ऑब्स्ट्रक्टेड लिम्फ ड्रेनेज कैसे होता है दिस इज मेनली इन टू द एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स एंड नोड लिम्फ में ड्रेन थ्रू द इंटरनल मेमोरी नोड्स इफ द सुपरफिशियल रूट इज ऑब्स्ट्रक्टेड
नेक्स्ट है नर्व सप्लाई. द ब्रेस्ट आर सप्लाइड बाई ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व विच कंटेन सिंपैथेटिक फाइबर. नर्व सप्लाई कौन करता है ब्रेस्ट को? फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो थोरेसिक नर्व है वो क्या करती है? सिंपैथेटिक फाइबर की नर्व सप्लाई करती है. दीज आर न्यूमेरस सोमेटिक सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ब्रेस्ट स्पेशली अराउंड द निप्पल. यहाँ पे क्या बहुत सारे सोमेटिक सेंसरी नर्व जो एंडिंग है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? ब्रेस्ट की निप्पल जो उसके चारों तरफ क्या है ये और प्रेजेंट रहती हैं. When these touch receptor are stimulated by sucking, impulse pass to the hypothalamus and flow of the hormone oxytocin is increased, promoting the release of milk. When these touch receptor are stimulated by sucking, जो touch receptor है वो कैसे stimulate होते हैं? Sucking के द्वारा. Impulse pass to the hypothalamus और impulse किसके पास जाएगी? हाइपोथैलेमस के पास जाएगी. एंड द फ्लो ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन इज इंक्रीज. और जो आपका हार्मोन है कौन सा? ऑक्सीटोक्सिन, उसका फ्लो क्या है? इंक्रीज होगा. और वो क्या करेगा इंक्रीज होने के बाद? प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क. और वो मिल्क को क्या है? प्रमोट करेगा किस चीज के लिए? रिलीज होने के लिए. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट के फंक्शन क्या क्या हैं? द मेमनी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन दे आर प्रोड्यूस मिल्क. जो मेमनी ग्लैंड हैं वो कब एक्टिव रहते हैं? एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ ए बेबी व्हेन दे प्रोड्यूस मिल्क. लैक्टेशन जो फेज है उस दौरान क्या मेमनी ग्लैंड एक्टिव रहती हैं और एक लेट प्रेगनेंसी के दौरान क्या है मेमनी ग्लैंड एक्टिव रहती है. लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन ऑफ प्रोलैक्टिन. और जो लैक्टेशन की जो फेज है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है? जो हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन उसके द्वारा क्या है स्टिमुलेट होती है. नेक्स्ट है जो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो आज का अपना टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग ऑर्गन. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है? तो सबसे पहले क्या है? दो टेस्टिस होते हैं कहाँ पे? स्कोटम में. दो एपिडाइमस प्रेजेंट होते हैं. दो डिफरेंट डक्ट होती हैं. दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं. दो सिग्नल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. दो एक्जिलेटरी डक्ट होती हैं और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक क्या है पेनिस होता है. तो इन सब से मिलके क्या है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किससे बनता है? दो टेस्टिस होते हैं, दो एपिडाइमस होते हैं, दो डिफरेंट डक्ट प्रेजेंट होती हैं, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, दो सेमिनल वेसल्स होती हैं, दो एग्जुलेटरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक क्या है पेनिस होता है. इनसे क्या है अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बनता है.
ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है वो इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। यहाँ पे ये दिखाया गया आपका यूरिनरी ब्लैडर है, वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया, यूरेटर दिखाया गया, रेक्टम है, सिमिलर वेसल्स जो है वो है, एक्जिलरी डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, एपिडिडाइमस कहाँ पे है, एनस कहाँ पे है, यूरिथ्रा कहाँ पे है, स्कोटम, टेस्टिस, टिश्यू, पेनिस, प्यूबिक सिंफेसिस, ये सारी सारी चीज़ें क्या है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है उसके अंदर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है अपना, स्कोटम। स्कोटम क्या है, द स्कोटम इज ए पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। जो स्कोटम है वो क्या एक पाउच की तरह होता है, डीपली पिगमेंटेड स्किन फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। किससे बनता है, फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू और जो अपनी स्मूथ मसल्स हैं उनसे क्या है बनता है, पाउच होता है, ठीक है, डीपली पिगमेंटेड स्किन होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स से क्या है बनता है। इट इज डिवाइडेड इन टू कंपार्टमेंट ईच ऑफ विच कंटेन वन टेस्टिस वन एपिडिडाइमस एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। इट लाइज, ये कहाँ पे, ये जो डिवाइडेड है वो किस में होता है, इट इज डिवाइडेड इन टू द कंपार्टमेंट ईच ऑफ विच कंटेन वन टेस्टिस वन एपिडिडाइमस एंड द टेस्टिकुलर एंड ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक एक में क्या है ये डिवाइडेशन होता है, ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है, इट लाइज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस इन फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द थिक्स एंड बिहाइंड द पेनिस। पेनिस के पीछे की तरफ क्या है ये सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, द टेस्टिस आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ द मेल एंड आर द इक्विवेलेंट ऑफ द ओवरीज इन द फीमेल। जो टेस्टिस है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है,
ठीक है, किसके अंदर, मेल के अंदर। और ये किसकी इक्विलेंट होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो ओवरी जो होती है उसकी क्या है, इक्विलेंट इसको माना गया है। दे आर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, एंड आर सस्पेंडेड इन द स्कोटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड। और किसके द्वारा सस्पेंडेड रहते हैं, स्कोटम किसके द्वारा रहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा। जो टेस्टिस है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, और इसको किसके इक्विलेंट माना गया है, जो ओवरीज जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओवरीज है फीमेल में उसके क्या है, इसको इक्विलेंट माना गया है। इसकी जो लेंथ जो है वो कितनी होती है, 4.5 सेंटीमीटर होती है, वाइड कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या है, टेस्टिस के बारे में दिखाया गया है। फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, सेजेटल सेक्शन किसका, टेस्टिस का, एपिडर्मिस ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस। बी जो है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, थ्रू द सेमिनल ट्यूबल सर्विंग डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर क्या दिखाई गई, कैपिलरीज है, इंटरस्टीशियल सेल दिखाई गई हैं, ल्यूमन दिखाया गया है, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल दिखाई गई हैं, स्पर्मेटिक कोड दिखाया गया है, टेस्टिकुलर आर्टरी दिखाई गई है, वेन दिखाई गई है, डक्ट डिफरेंस दिखाया गया है, नर्व दिखाई गई है, रेड टेस्टिस दिखाया गया है, और एपिडिडाइमस इसके अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट है,
जो तीन लेयर जो हैं वो कौन सी हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एब्लुजेंस और ट्यूनिका वेसिकल्स। ये जो क्या है, तीन लेयर है जो क्या है टिश्यू के चारों तरफ रहती हैं। तो टेस्टिस है, उनकी क्या है, तीन लेयर जो है वो सराउंडेड उसको कवर करके रखती हैं, ये तीन लेयर इसके अंदर शो की गई है। जो फर्स्ट है इसके अंदर क्या है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। जो ट्यूनिका लेयर है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है फॉर्म किस, और जो आउटर कवरिंग है टेस्टिस की वो होती है एंड डाउनवर्थ ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक पेरिटोनियम। वो किसकी तरफ डाउनवर्ड रहती है, अब्डोमिनल और पेल्विक जो पेरिटोनियम जो है उसकी तरफ क्या है, डाउनवर्ड रहती है। ड्यूरिंग अर्ली फिटर लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन द लंबर रीजन। ड्यूरिंग अर्ली फिटर लाइफ, जब अर्ली फिटर ड्यूरिंग जो है किस दौरान, अर्ली फिटर लाइफ के दौरान टेस्टिस जो डेवलप होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इन लंबर रीजन ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। नेक्स्ट है, दे देन डिसेंड इन टू द स्कोटम टेकिंग विद देम कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स नर्व एंड द डिफरेंट डक्ट। द पेरिटोनियम इवेंचुअली सराउंड द टेस्टिस इन द स्कोटम एंड बिकम डीअटैच्ड फ्रॉम द एब्डोमिनल पेरिटोनियम। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इन टू द स्कोटम शुड बी कम्प्लीटली बाई द 8 मंथ ऑफ द फिटर लाइफ। कब होते हैं कंप्लीट, जो 8 मंथ जो हो जाते हैं फिटर लाइफ के, उस दौरान क्या है ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूनिका ओब्लिजिना, दिस इज ए फाइब्रस कवरिंग बेंथ द ट्यूनिका वेजाइनलिस दैट सराउंडिंग द टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस के चारों तरफ रहती है, कवरिंग रहती है इसकी। इन ग्रोथ फॉर्म सेप्टा डिवाइडिंग द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस इन द लेबल्स। द ट्यूनिका वेसिकल्स का है, दिस कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज सपोर्ट बाय द डायलेक्टेड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट जो अपनी वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन किस चीज पर डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। थैंक्स टू ऑल।